गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज का ब्लॉग काफ़ी सुंदर दिख रहा हूँ ना। सो गाइस, आज का ब्लॉग हम लोग मतलब स्टार्ट कर रहे हैं। अभी काफ़ी लेट हो चुका है और 11:30 में स्टार्ट कर रहे हैं अपना ब्लॉग। और गाइस, आज का ब्लॉग काफ़ी मतलब यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ वैशाली। अभी थोड़ी देर अंकल जी का फ़ोन आया था पहले कि कहाँ हो, जो अपना चलना है थोड़ा वैशाली, सो रेडी हो जा। तो मैं रेडी हो गया और सोचा आज तो मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, बट अब क्या करूँ, हमको बनाना पड़ेगा। और गाइस फिलहाल रेडी हो चुके हैं और बोले कि हमारे रास्ते में स्वाते तो निकलते हैं और मिलते हैं सीधे रास्ते में। गाइस फिलहाल अंकल जी आ चुके हैं और चलते हैं अब। गाइस फिलहाल कर लेते हैं हम लोग नाश्ता और अंकल जी यहाँ पे आ चुके हैं और फिलहाल निकलेंगे हम लोग। सो गाइस फिलहाल हम लोग यहाँ पे निकलने वाले हैं और हम हैं अंकल जी और एक और आदमी है। सो फिलहाल निकल रहे हैं हम और मिलते हैं आपको रास्ते में। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं वैशाली गढ़ और यहाँ और सामने का आपको मस्त गजब सा व्यू दिखाता हूँ आपको। सो ये भाई साहब काफ़ी गजब व्यू है और आप लोग देख सकते हैं इसको क्या कहा जाता है, हम लोग को नहीं पता क्या कहते हैं इसको। श्रीलंका टेम्पल वैशाली काफ़ी गजब लग रहा है और So guys, फिलहाल हम लोग अंदर इन कर चुके हैं और आगे का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है और फिलहाल आपको आगे का वीडियो भी दिखाते हैं। और यहाँ पे कुछ IMC के मतलब जो मेंबर हैं वो आए हुए हैं, सो आपको उनसे भी मिल पाएंगे। सो बने रहिए ब्लॉग के साथ। सो ठीक है, तो फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं अंदर और हमारे साथ है अमोद सर जो IMC के गोल्ड स्टार हैं। और कुछ बोलिए अमोद सर। हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड एनसी। अभी हम लोग वैशाली हैं, वैशाली टूर पे हैं और हमारे साथ बहुत सारे हुजूम हैं। तो दोस्तों, ये ज़िंदगी वक्त का मोहताज नहीं होता, वक्त बीत जाता है और लोगों के सर पे ताज नहीं होता। कुछ तो सोचा होगा ऊपर वालों ने, वरना हमारी मुलाकात इस IMC बेहतरीन सिस्टम से नहीं होता, बेहतरीन सिस्टम से नहीं होता। सो थैंक यू, लव यू ऑल, गुड एनसी। सो गाइस, तो आप लोग देखिए अमोद सर काफ़ी मतलब बहुत अच्छे आदमी हैं और IMC के गोल्ड स्टार हैं। सो बने रहिए ब्लॉग के साथ, आपको दिखाएंगे पूरा वैशाली टूर। सो मिलते हैं यहाँ पे। जो ये यहाँ का टेंपल है वो है और इसके अंदर पता नहीं क्या है, इसको मैं मतलब ये नहीं करता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा मस्त व्यू आ रहा है इसके अंदर और काफ़ी गजब सा है। और बने रहिए वीडियो के साथ, आपको पूरा एक्सप्लोर करवाएंगे यहाँ का पूरा जो टेंपल और जो भी है सब आपको दिखाएंगे। सो गाइस फिलहाल हम लोग अंदर पे आ चुके हैं और वहाँ पीछे की तरफ में शायद आपको दिख रहा हो, तो वहाँ पीछे की तरफ में हो रहा है मतलब IMC टीम का मतलब थोड़ा सा गप्पा सप्पा सब मार रहे हैं। और हम सोचे हम वहाँ बैठ के क्या करेंगे, तो हम सोचे कि आ तक पूरा एक्सप्लोर करा देते हैं आपको। सो चलिए बने रहिए ब्लॉग के साथ और आपको दिखाते हैं एक एक चीज़। सो गाइस पहली बात तो ये, यहाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पे एक फील्ड है और यहाँ बीच में एक टेम्पल है जो कि यहाँ पे महात्मा बुद्ध की मतलब जो अस्थियाँ हैं वही यहाँ पे मतलब ये हुई थी, समझे। सो इसलिए यहाँ पे ये बना था और यहाँ पे काफ़ी सारा मतलब पेड़ लगा हुआ है साइड से, काफ़ी ज़्यादा मस्त नज़ारा दिख रहा है। और यहाँ पे कुछ पेड़ सूख पड़े हैं और यहाँ पे कुछ लोग अभी शांति से बैठे हुए हैं और आपको यहाँ से गजब सा व्यू दिख रहा होगा। आप मैं थोड़ा पीछे जाके दिखा दूँ आपको। सो शायद यहाँ से आपको बहुत गजब व्यू दिख रहा होगा। सामने की तरफ में आप लोग देख सकते हैं एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महात्मा बुद्ध, यानी कि जो भी मतलब आते हैं बुद्ध लोग आते हैं वहीं पे, वहीं उन्हीं लोग का यहाँ पे मतलब ये होता है।
तो यहाँ पे साइड से लेके पूरा यहाँ तक सब कुछ मतलब काफ़ी ज़्यादा सुहाना लग रहा है। और इधर से भी एक रास्ता है, चलिए मैं आपको सारा का सारा एक्सप्लोर करा दूँ। मतलब यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब आनंद आ रहा है। और गाइज यहाँ की सबसे एक बहुत मस्त बात है कि यहाँ पे आने के बाद जो आपको शांति मिलेगी, जो आपको सुकून मिलेगा, वो आपको जन्नत पे भी नहीं मिलेगा। मतलब एक टाइप से समझिए तो ये मतलब जन्नत के मतलब मुकाबले है। और यहाँ पे एक शायद दीवार है उसके बगल में, पता नहीं क्या, यहाँ पे कुछ मतलब खाई वाई है इधर से उधर तक। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत सारे फूल वूल मतलब जो भी है मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे हमेशा लोग घूमने आते रहते हैं। सो यहाँ मेरे आने का कोई प्लान वैन था नहीं, और मतलब ऐसे ही मतलब कॉल आया अंकल जी का, चलना है बस, और मैं निकल पड़ा वहाँ से। बस यहाँ आके जो मतलब सुकून और मज़ा मिल रहा है ना, मतलब समझो कहीं नहीं मिलता है। और इतनी शांति, इतनी मतलब स्वस्थ हवा, और हवा और क्या बताएं, बहुत मस्त, बहुत ज़्यादा मस्त। और वहाँ पे IMC के लोग मतलब थोड़ा अपना बातचीत कर रहे हैं। सो आपको पूरा एक्सप्लोर कराएंगे और बाहर की तरफ में चलते हैं तो वहाँ का भी आपको क्लिप दिखाएंगे। सो बने रहिए ब्लॉग के साथ। गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं और काफ़ी शांति मिल रही है यहाँ पे बैठ के। और यहाँ पे मतलब एक ऐसा फीलिंग आता है कि मतलब यहाँ पे अगर आपका घर हो तो आप सोचोगे कि मतलब मेरा घर ऐसी जगह पे है जहाँ जन्नत है। सो बने रही ब्लॉग के साथ। और आपको जो वो मतलब हल्का ग्रीन ग्रीन उसको शायद क्या कहते हैं, मतलब वो आपको ब्लॉग में दिखा होगा, तो उसको मतलब जाते समय हम अच्छे से एक्सप्लोर करके जाएंगे। और आप बने रहिए ब्लॉग के साथ। सो अभी यहाँ से थोड़ी मतलब बातचीत हो जाती है उधर, सो हम लोग यहाँ से निकलेंगे और देखते हैं कब तक घर पहुँचते हैं। सो देखते रहिए। हम लोग आ चुके हैं, हम लोग अभी उस साइड थे और अभी इस साइड आ चुके हैं, क्योंकि इधर का भी नज़ारा काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या कहें, बहुत ही गजब हो रहा है। और यहाँ पे कुछ फूल वूल रखे हुए हैं, मतलब बहुत ही मस्त लग रहा है यहाँ से वहाँ तक। यहाँ पे मतलब यहाँ पे मतलब वातावरण का है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा पालन किया गया है। और यहाँ की घास भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बेटर लग रही है। और आपको यहीं के क्लिप दिखाते रहेंगे, क्योंकि आज तो है वैशाली टूर। सो बने रहिए ब्लॉग के साथ। और हम लोग चलते हैं अभी थोड़ी इधर, क्योंकि भाई साहब बहुत ज़्यादा है, मतलब कतई ज़्यादा, मतलब क्या कहें, इधर से उधर, इधर से उधर, पूरा यहाँ से वहाँ, मतलब आपको यहाँ से आपको शायद हो सके तो फ़ोन में अगर छोटा दिख रहा हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दूर है। और बहुत बड़ी यहाँ पर मतलब ये क्या, बहुत बड़ा प्लॉट है। और हम लोग आ चुके हैं इधर, सोच रहे थोड़ा बैठ जाएं यहीं पे। सो थोड़ा बैठते हैं यहीं पे। गाइस तो फिलहाल अभी IMC की मीटिंग ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे कुछ होने वाला है नाच गाना, और सभी IMC के मेंबर्स अभी थोड़ी मस्ती करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर कुंदन शर्मा IMC। सो सर आप कुछ बोलना चाहेंगे IMC के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है घूमकर और एंजॉयमेंट। और हमें यहाँ लाने की मतलब जो हमें यहाँ लाए हैं और यही है, इन्हीं ने हमी को लाया है। चलिए तो बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोग भी आइए, देखते हैं कि नाच गाना हो रहा है, मस्ती हम लोग करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे काफी नाच गाना हो रहा है और क्लिप में आपको दिखा दूँ तो देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफी नाच गाना हो रहा है और काफी शोर है, सो आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। और काफी ज्यादा एंजॉयमेंट हो रहा है, सब कुछ हो चुका है। और अभी चल रहे हैं होटल में कुछ खाने वाने के लिए, और फिलहाल आपको मिलते सीधे होटल में। ठीक है, तो सब पीछे पीछे दौड़ के आ रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ी फोटो वोटो भी क्लिक हो चुकी है। और फिलहाल चलते हैं होटल में। और अमो सर काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें जो उनका स्पीच था वो काफ़ी गजब था, बट मैं उस टाइम वीडियो करना भूल गया। सो पे सब कुछ हो चुका है और अभी चल रहे हैं होटल में कुछ खाने वाने के लिए, और फिलहाल आपको मिलते सीधे होटल में। गाइस फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अंदर, और
यहाँ पे कुछ नाश्ता पानी होगा और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। सो फिलहाल करते हैं नाश्ता। यस, तो फिलहाल आ चुके हैं हम लोग लंच करने के लिए और एक होटल है, होटल बुद्धा एम्पेरियल। सो इसमें हम लोग आए हुए हैं और फिलहाल देखते हैं क्या होता है और खाना खाने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। गाइस फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अंदर और यहाँ पे कुछ नाश्ता पानी होगा और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। सो फिलहाल करते हैं नाश्ता। सो गाइस फाइनली हम लोग अपनी मंजिल पे पहुँच चुके हैं और ये रही महात्मा बुद्ध की, मतलब उनके स्टैचू जो है वो है। और फिलहाल हम लोग आए हुए हैं सेकेंड फ्लोर पे। सो आपको पूरा रिव्यू कराएंगे कैसा है, सो बने रहिए ब्लॉग के साथ। ये पूरी एक सर्कल मंदिर है, इधर ये स्लीपिंग स्टैचू। सो गाइस फिलहाल ये सेकेंड स्टैचू है इधर की और आपको आगे तक दिखाते रहेंगे। और एक इधर से टर्न है और ये यहाँ पे है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक जो ये खड़े थे उनकी स्टैचू है ये वाली। और यहाँ साइड का भी नज़ारा काफ़ी गजब और काफ़ी स्टैचू है और देख सकते हैं काफ़ी मस्त। और एक ये है लास्ट मूर्ति। सो चलिए अब नीचे चल के देखते हैं। तो गाइस फिलहाल हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और बाहर से कुछ मंदिर ऐसा दिखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव लग रहा है। और यहाँ साइड में दो बाग हैं और काफ़ी ज़्यादा मस्त मूर्ति है और यहाँ पे कुछ इसका मतलब बगान है। सो काफ़ी ज़्यादा है और अगली टाइम फिर हम लोग आएंगे, फिलहाल तो हम लोग को जाना है। सो फिलहाल चलते हैं घर पे और काफ़ी शाम हो रही है तो मिलते हैं सीधे घर पे आपको। फिलहाल हम लोग घर पहुँच चुके हैं और काफ़ी थकान हो चुकी है और फिलहाल अब देखते हैं। और फिलहाल अभी जाना है खाना खा, मतलब एक मतलब वेडिंग है उसी में मतलब थोड़ा भोज खाने जाना है। तो फिलहाल भोज खा के आते हैं फिर मैं आपसे मिलता हूँ और काफ़ी थक चुके हैं और मुझे भी एडिट करना है। सो मिलते हैं सीधे रात को। सो गाइस फिलहाल आ गए हम लोग भोज खा के और काफ़ी मतलब थकान हो रही है। सो आज आप लोगों ने देखा कि हम लोग वैशाली गए थे और काफ़ी इन्जॉय किया हमने। सो आप भी कभी जाओ वहाँ पे और सो इन्जॉय करो। और सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।